नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन दर्पण मन की बात में टीना राठौड़ और पीआरजी की टीम की तरफ से। ये हमारा एक ऐसा कार्यक्रम जहां राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते हैं और पहुंचाते हैं उनके मन की बात आप तक। इसी सिलसिले में हमारे बीच मौजूद है मारवाड़ जंक्शन तहसील के प्रधान सुमेर सिंह जी। एक अध्यापक से प्रधान बनने तक का उनका सफर बहुत दिलचस्प और रोचक रहा है और संघर्षपूर्ण भी रहा है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में। सर, आपका पीआरजी स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार और पढ़ाई के बारे में। मैं सुमेर सिंह कुंपावत, जो मेरे एक छोटा सा गांव राणावास कस्बे के पास में गुड़ा रूनाथ सिंह में मेरा जन्मभूमि है। वहाँ मेरे पिता श्री गाइड सिंह जी, माता श्री शायर कौर जी का मैं सुपुत्र हूँ। और मैंने शिक्षा के रूप में प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव में शुरू की, फिर राणावास विद्याभूमि राणावास के अंदर मैंने प्राइमरी शिक्षा के अपर शिक्षा को वहां ग्रहण की। सीनियर स्कूल सुमति के अंदर मैंने अध्ययन किया, मरुधर केसरी के अंदर किया। सर, अध्यापन करते करते राजनीति में आने का विचार कैसे आया आपका? मेरे मन के अंदर हमेशा ये रहता था कि मैं समाज सेवा करूँ और लोगों के, उस समय भी मेरे मन में हमेशा रहता था कि किसी भी व्यक्ति की विपत्ति में मुझे लगता था कि इसका कैसे सेवा करूं। तो उसके बाद में मैं पढ़ाई करते करते मैंने बीए किया, बीएड की मैंने। बीएड करने के बाद में राणावास की अनुदानित शिक्षण संस्था में मैंने अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया, सेवा के रूप में। परंतु मेरा मन हमेशा एक सेवा के पर्पज उद्देश्य में लगा रहता था। तो मेरी लगभग 1988 से मैंने नौकरी प्रारंभ की और 1995 के अंदर मैंने पहला पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। फिर 2000 के अंदर मैंने और चुनाव लड़ा। 1995 से 2000 तक मैं पंचायत समिति मारवाड़ जनसंघ का मेंबर रहा। फिर 2000 में चुनाव लड़ा, फिर 2005 में लड़ा, 2010 में मैंने जिला परिषद का प्रमुख के हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा। और उस समय मैंने मेरी इतनी लंबी नौकरी को त्याग करके मेरे मन में हमेशा रहता था कि सेवा करूं। ये लाभ का पद मुझे रास नहीं आया और मैंने सेवा के प्रकल्प को अपनाते हुए मैंने राजनीतिक में प्रवेश किया और उस समय मैं चुनाव हार गया। फिर पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पालिका दायित्व दिया, विधानसभा प्रभारी के रूप में जैतारण और मारवाड़ जनसंघ का दायित्व दिया, अलवर, ऐसे कई चुनाव में मुझे प्रभारी बना के पार्टी ने मुझे भेजा जी। फिर 2015 के अंदर जब पंचायत राज का पुनर्गठन वापस चुनाव आए तो मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति साधारण सामान्य कैटेगरी में आई और मुझे पार्टी ने वहाँ से चुनाव लड़ाया पंचायत समिति सदस्य का। और ऐसा संजोग आज़ादी की मैं पहली बार पंचायत राज के गठन के बाद में कि पूरे मारवाड़ जंक्शन के अंदर प्रचंड बहुमत से हमारी पार्टी जीती और मारवाड़ के इतिहास में पहली बार मैं निर्विरोध प्रधान बनने का मुझे सौभाग्य मिला। जी जी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति में मेरी ग्राम पंचायत, इसमें 48 ग्राम पंचायत आती हैं। उसके बाद में मेरा, जब से मैंने ये दायित्व संभाला तो मैंने पहले दिन अपने एक आइडल के रूप में, मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी और वसुंधरा जी को मैंने माना। उनकी कार्य शैली से को मैंने जीवन में अपनाते हुए मैंने कार्य प्रारंभ किया और पहले दिन ही मैंने पूरी पंचायत समिति के अंदर जब से दायित्व ग्रहण किया तो मैंने पद को न तो जाति से, न पार्टी से, न क्षेत्र से, न किसी धर्म से जोड़ा और सबका साथ, सबका विश्वास और सबको विकास का मैंने बीड़ा उठाया। और आज हम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, उसमें मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में कई मायनों में हमने नए आयाम स्थापित किए हैं जिसमें ग्रामीण विकास के जितने भी कार्य होते हैं उसमें सभी विभागों को साथ लेकर मैंने विकास के कार्य प्रारंभ किए। जी सर, अब तक कौन कौन सी योजनाओं पर आपने काम किया है? मैंने व्यक्तिगत लाभान्वित योजनाएं जितनी भी आती हैं, चाहे पेंशन हो, जन्म से लगाकर प्रारंभ होती है हमारी योजनाएं और प्रति कदम पर हमारी कोई ना कोई योजना अंतिम समय तक व्यक्ति के साथ ग्राम पंचायत पंचायत समिति करती हैं जी। तो उसमें हमने एक नवाचार भी किया कई क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि कोई ग्रामीण का विकास ही हमारी मूल प्राथमिकता, जनता की सेवा दूसरे ढंग से कैसे की जाए,
अनाथ असहाय लोगों तक कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, उसके लिए मैंने पूरे गांव का दौरा किया अलग अलग ढंग से। वहां पर जनता की अपनी जन समस्याएं सुनी। कई राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के जो कैंप लगते हैं उनमें जाकर मैंने वहाँ सहभागिता निभाई और वहाँ पर लोगों के त्वरित प्रभाव से वहाँ पर निर्णय देकर उनको राहत पहुँचाई। मुख्य मेरा एक लक्ष्य था कि क्षेत्र के अंदर गरीब लोग बहुत हैं, क्षेत्र के अंदर विकलांग लोग बहुत हैं, तो मैंने राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था महावीर इंटरनेशनल जयपुर के तत्वाधान में मैंने पंचायत समिति के कैंपस के अंदर लगभग 5 दिन का इस विकलांगों की सहायता एक बहुत बड़ा कैंप करवाया, जिसमें जयपुर फूड की जैसे पांव और हाथ जो बनाते हैं उनकी पूरा उद्योग वहाँ लगाकर लोगों के सर्वे करके सब लोगों को, किसी के पांव नहीं थे दोनों पांव, उसको पांव लगाकर उसको चल के बताया, कहाँ उसकी आँख ठीक नहीं थी उसको नज़र ठीक करवाई, सुनने में नहीं आता था उसको सुनने की मशीन दी, व्हील चेयर दी, जितने भी उसके एक संसाधन होते हैं उन लोगों की जब खुशी मैंने देखी तब मुझे लगा कि वास्तव में मेरा जीतना सार्थक हुआ। उसके बाद में मैंने क्षेत्र के विकास में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार से कई प्रकार के मैंने योजनाएं लाई, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की आवास योजना, जिसमें राजस्थान के अंदर हम रिकॉर्ड तोड़ लगभग 2100 से अधिक आवास अभी मेरी पंचायत समिति चल रहे हैं, लगभग 40 करोड़ की लागत के हमारे काम चल रहे हैं, जिनमें सुलभ स्वच्छता के मिशन में हमने सबसे हाईएस्ट पंचायत समिति में शौचालय बनवाए, हमने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब बीपीएल परिवार की महिलाओं को गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए, और सरकार ने इस मेरे कार्यों से और इस प्रकार के प्रभावित होकर मुझे राजस्थान सरकार ने जो एक जल संरक्षण के बारे में यूरोपियन यूनियन की एक संस्था है उसका एक टीम के रूप में मुझे सिक्किम राज्य का दौरा करवाया, वहाँ पर सिक्किम में पानी को कैसे बचाया जाता है, वहाँ पर स्वच्छता के क्या अलग अलग आयाम है, लोगों का जीवन पहाड़ी क्षेत्र में कैसा है, उसका भी मैंने अध्ययन किया। अलग अलग राज्यों में कई बार मुझे भेजा, राजस्थान सरकार की जो मूल प्रधानों की और जनप्रतिनिधियों की सेमिनार होती वहाँ पर मुझे सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेजकर मेरा सुझाव रखवाया, और जो ये RDS जो ये विकास अधिकारी जो चुने जाते हैं उनकी भी जो प्रशिक्षण होता है उसमें भी मुझे मेरा एक लेक्चर रखा सरकार ने। तो इस प्रकार से सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और एक छोटे से वार्ड पंच से लगाकर सब जनप्रतिनिधियों के साथ मैं पूरा एक सामंजस्य से बैठा कर उनके साथ एक सहयोग करते हुए सबको साथ लेकर मैं विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ। कई मायनों में हमने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। हमने देखा कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर देश आज़ादी के बाद में ऐसे भी गांव दिखे जहाँ पर बिजली का अभाव था, लोग हम कहते हैं सब जगह बिजली पहुँची है, सरकार की भी मंशा है कि प्रत्येक घर में रोशनी हो, तो हमारे पंचायत समिति में ऐसे गाँव निकले जिसमें एक रायको की ढाणी है, गुड़ा दुर्गा की वहाँ ढाणी को मैंने पहले इलेक्ट्रीफाइड कराया वहाँ पर, क्योंकि उस ढाणी के अंदर दो भाट में थी, एक पंचायत क्षेत्र अलग था और रेवेन्यू क्षेत्र अलग था जी। तो इस दो पंचायतों के अंदर वो बीच में पिछड़ गई थी, इसलिए दोनों पंचायतों का सहयोग लेकर मैंने वहाँ पर उस गांव को पहली बार इलेक्ट्रीफाइड कराया। कल ही मैंने हमारे सपरडा एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ट्राइबल इलाका है वहाँ पर बिजली का बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था, लोग मोबाइल और बैटरी चार्ज करने के लिए भी दूर 10 किलोमीटर जाकर पैसे देकर चार्ज करवाते थे, वहाँ उस गांव को भी हमने इलेक्ट्रीफाइड किया। गाँव में सड़कों की स्थिति को हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, हमारा स्टेट हाईवे 61A और 61 नंबर हाईवे को भी अभी लगभग 300 करोड़ की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, और अब कल ही हमारे राणावास से जो मुख्य हार्डलैंड सड़क जाती है 17.5 किलोमीटर राणावास से 5 पंचायतों को जोड़ती है, वहाँ पर लगभग 9.57 करोड़ की हमने स्वीकृति कराई। गाँव के अंदर स्वच्छता को मुख्य ध्येय बनाया है जी। हमारी पंचायत समिति की सब पंचायतें ODF हो चुकी जो खुले में शौच से मुक्त हैं। मोदी जी का मुख्य लक्ष्य है कि स्वच्छता कैसे रखें, जिसमें महिलाओं की, बुजुर्गों की मान मर्यादा कैसी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने मारवाड़ क्षेत्र में यह स्वच्छता का मिशन चलाया। हमने बालिकाओं की शिक्षा के लिए मैं शिक्षक से राजनीतिक में आया हूँ तो मेरा हमेशा लगाव रहता कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो छात्र छात्राएं, जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो,
तो समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए मैंने उनमें भी एक प्रकार का नयापन लाने की कोशिश की। आंगनवाड़ी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, PWD हो, PHD जलदाय विभाग हो, हर विभागों की समय समय पर मैं मासिक पाक्षिक मॉनिटरिंग करता हूँ और उसमें जो कार्यों में जो रुकावट आती है तो हम सरकार के मंत्रियों के पास जाकर उनसे भी हमारे अच्छे संबंध है। जिससे मारवाड़ में कुछ नयापन आ रहा है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मारवाड़ का सर्वांगीण विकास हो। मारवाड़ एक जो राजस्थान में पूरी दुनिया के अंदर मारवाड़ नाम से पहचाना जाता है, उस मारवाड़ नाम का अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपना आपको प्रधान सेवक मानता हूँ और सेवा में मैं जनता की एक प्रकार से नौकरी कर रहा हूँ, शासन नहीं कर रहा हूँ, और उसको हमेशा जनता को ऊपर रखकर मैं हमेशा उनके दिल को खुशी मिले, उनके मान सम्मान रहे, ये मैं प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सर, हमने सुना है कि आप जब किसी योजना पे काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य होता है जो आपकी तहसील में करवाना होता है, आप स्वयं जाते हैं वहाँ पे। लगभग आपकी कोशिश रहती है कि हर जगह आप खुद वहाँ पे मौजूद रहें, एक एक्टिव पर्सनालिटी आप हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप गृहस्थ जीवन से हैं, परिवार है भरा पूरा आपका, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हर एक्टिव पर्सनालिटी हैं और हर जगह कोशिश करते हैं आप वहाँ पे मौजूद रहें, और फिर परिवार में भी हज़ार काम होते हैं, हज़ार लोग होते हैं, हज़ार सवाल होते हैं, तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है सर? मैंने जैसे 3 वर्ष हो रहे हैं मुझे दायित्व संभाले हुए, तो मेरा जो एक तरफा कार्यक्रम रहता है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें दूसरे कामों को कभी उसको अड़चन पैदा नहीं होने देता हूँ। मैंने पारिवारिक जिम्मेदारी को मैंने एक प्रकार से एक पार्टली कर दिया है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे परिवार में काफ़ी ससुराल में भाई परिवार में हमारे परिवार बाहर भी रहते हैं भाई, इनके कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, तो वहाँ पर अभी तक मैं 3 वर्षों में एक भी मेरी एब्सेंट नहीं है क्षेत्र में जी। और प्रतिदिन सुबह उठते ही मैं बिना कहीं कहीं चला जाता हूँ, चाहे निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे कोई काम चल रहा है, नरेगा का चल रहा है, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, वहाँ जाके उनको एक नया आइडिया देता हूँ काम करने का। नरेगा में लेबर होती है तो वहाँ जाके उन लेबर को चिकित्सा के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, उनके काम को तो देखता हूँ, उसके अलावा भी उनको एक नई चीज़ देके आता हूँ। जब लगता है कि मुझे पब्लिक में हजारों लोगों से जब प्रतिदिन नहीं मिलता हूँ, उनके पास जाकर उनसे संवाद नहीं करता हूँ, उनको कुछ दे के नहीं आता हूँ, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता कि मैंने आज कुछ दिया ही नहीं है, इस प्रकार का मेरा अनवरत प्रयास जी। बहुत बढ़िया सर, एक राजनेता के तौर पर देखे जाए तो लोगों के अलग अलग नज़रिए होते हैं, अलग अलग नज़रिया रखने वाले लोग होते हैं। कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें पॉलिटिशियंस अच्छे लगते हैं, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनको पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि जो सामने पर्सनालिटी है उनका अपना स्वभाव कैसा है, क्या है, बस वो अपना एक नज़रिया रखते हैं। इस तरीके के लोग आपको मिलते हैं या आप तक ये बातें पहुंचती ही नहीं हैं? मेरा जीवन एक छोटे क्षेत्र से निकला है, मेरे क्षेत्र के लोगों से मैं, जैसे मैं नौकरी किए और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का लगभग 24-25 साल से मैं अभी करता हूँ, मेरा पुल फील्ड से हमेशा पूरे मारवाड़ क्षेत्र से हमेशा मेरा आना जाना रहा है, और सबसे इसमें मैंने भी उसमें भी सबसे उत्कृष्ट कार्य किया, क्योंकि ये लोगों से अच्छे मेल मिलाप का प्रमाण है कि मैंने अच्छा इंश्योरेंस पे काम किया। उसको करने के साथ मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, मैं हमेशा कभी किसी व्यक्ति को नेगेटिव सोच से नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता कि मेरी कोई राजनीतिक में आने से या राजनीति में जो कार्य कर रहा हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मुझे कई बार इस प्रकार के गाँव में मीटिंग करते जाते जब हमारे से जो काम नहीं होते हैं या काम नहीं हुए उनके बारे में लोग कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझमें वो उनका विश्वास है कि मैं कार्य कर सकता हूँ। जो मेरे कार्य के लिए कहना, मुझे अगर किसी प्रकार का फ़ोन करके कहना, मुझे ओलबा देना, मुझे किसी प्रकार की बात की मांग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे धन्यवाद देना या मुझे किसी प्रकार की बात के लिए बधाई देना, मुझे उससे बेहतर ये लगता है कि मुझे कोई काम का कहें। जी जी जी, बहुत खूब सर।
थोड़ा सा निजी सवाल करते हैं, बहुत सारी हमने राजनीति से और आपके क्षेत्र से जुड़ी बातें करी। खाली समय जब आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं, रुचि आपकी कौन से क्षेत्र में है राजनीति के अलावा? मैं पहली बात तो मैंने कहा ना आपको, मैं पार्टली काम करते हैं, वन वे काम करता हूँ, उसमें किसी प्रकार का ऑप्शन खाली बैठने का नहीं रहता। मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ लगता है कि आज मैं वहाँ होता तो कुछ काम करता। फिर भी मेरा धार्मिक क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में, जहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जब मेरे को लगता है कि आज मेरा कोई कार्यक्रम है उसमें समय मिल रहा है, मैं तो किसी सत्संग में, धार्मिक भजन संध्या में या कुछ ही अच्छे लोगों के साथ बैठकर, जब मैं स्टडी कर रहा था, हम टीचर थे, जब हमारे जीवन में कई लोग आए थे हमको इसको आइडिया देने के लिए, जिन्होंने कई लोग तो आते हैं कि अपने को नौकरी कब मिलेगी, इतनी नौकरी बीएड की आपने, थर्ड ग्रेड में नौकरी, आप टीचर बने हो तो ये नौकरी प्राथमिकता रखो क्योंकि परिवार चलाना है। परंतु तो कई लोगों ने मेरी बात की, इस मत मेरी जो राजनीतिक सोच को उन्होंने प्रोत्साहित किया, और उसमें हमारे साथी जो हमारे वहाँ पर जब हम साथ में नौकरी लगे थे, महावीर सिंह जी भाटी है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और कई हमारे शिक्षक वर्गों ने हमेशा प्रयास किया कि आपका जीवन जिस सोच का है उस जीवन में आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आज मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। मैं नौकरी छोड़ दी है, मैंने व्यवसाय भी छोड़ दिया है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, और आज मैं जितना भी काम कर रहा हूँ उस काम में मुझे बहुत ही संतुष्टि है। मुझे जरूर तड़प ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँ। इसमें बुरी सरपंचों की, पंचायत मेंबर, जिला परिषद मेंबर, हमारे विधायक, सांसद, सब लोग मिलकर सब प्रयास करें कि ऐसा काम हो कि जिसके गरीब के घर आंसू पहुंच सके, गरीब के किसी दुख में दुख दूर कर सके। इस प्रकार का मैं पूरा प्रयास करता हूँ और मुझे लगभग 5-10 लोगों के दिल में खुशी लेके मैं आके घर आता हूँ और मुझे सुकून मिलता है कि मैंने आज कोई सबसे बहुमूल्य सेवा का काम किया जिसमें मुझे इतना लाभ मिल रहा है कि जितना आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद ही जनता का आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा मानदेय है। जी जी, बहुत खूब सर। एक और सवाल हमारा है कि एक अध्यापक की नौकरी से लेकर प्रधान बनने तक का जो आपका सफ़र रहा है, इस सफ़र में सबसे ज़्यादा सहयोग आपको किन किन ने किया है? मैंने टीचर की नौकरी प्रारंभ की, उस समय भी मेरे जीवन के अंदर जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, उस समय हमारे परिवार के अंदर कोई नौकरी कर भी नहीं रहा था, उस समय राणावास की जो बहुत बड़ी संस्था है जयंतरापन, उसके अंदर एक भूपेंद्र जी मुथा थे जो मेरे को पकड़ कर मेरे को बहुत ही अल्प वेतन में, लगभग 300 रुपये के वेतन में मुझे टीचर रखा था। वहाँ से मेरा कदम शुरू हुआ, वहाँ से चढ़ते चढ़ते मैंने फिर प्राइमरी स्कूल में किया, फिर मैंने कई सोशल काम भी प्रारंभ किए, फिर मेरे इस जीवन के अंदर मेरे माता पिता वो भी हमेशा चाहते थे कि मेरे घर से कोई, हम उस वंश से हैं जिन राव, हम कुंपावत है तो राव कुपा और राव जेता, जिनका जन्म स्थली हमारे पंचायत समिति में, उनको मैंने हमेशा एक प्रेरणादायक माना। उन्होंने एक गौ रक्षार्थ युद्ध किया, पहली 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पणियारियों के कहने से पूरा युद्ध लड़ लिया, पूरे जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने जो एक दान का काम किया, जब वो तालाब के अंदर स्नान कर रहे थे, जब एक दानी आके दान मांगता तो उस मिट्टी को निकालते तो उस माणक मोती बन जाते। वो दानी थे, वो गौ रक्षक थे, एक प्रकार से प्रजापालक थे। मैंने उनको एक प्रकार का एक जीवन में अंदर माना कि ये उस वंश के हम क्यों नहीं उसका अनुसरण करें। और उसके बावजूद में कई लोग आए, कई जैन लोगों का भी सहयोग रहा, कई हमारे ये महावीर सिंह जी भाटी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और कई लोग जिन्होंने हमेशा मुझे चुनाव लड़े चाहे कोई काम करें, तन मन धन से मेरी सपोर्ट की जी। और उसमें मैं उनको हमेशा आदर देता हूँ कि आज वो उस प्रकार की बात मैं करने की योग्य हूँ कि जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, उसमें उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाया उन्होंने, और उसके कारण मैं उन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ जी। बहुत खूब
सर आपने वक्त निकाला, इतने बिजी शेड्यूल से आप यहाँ पधारे, उसके लिए पीआरजी की पूरी टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें या जो आप अपने मन की बात कोई अगर कहना चाहें तो ज़रूर कहें। मैं दर्शकों को इस पीआरजी ग्रुप का मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस ढंग से आपने इस प्रकार का एक अभियान चलाया है, मन की बात, और मन के अंदर जो होता है उसको आपने प्रसारित करने का जो कार्य किया है, सचमुच में एक बहुत अनूठी पहल है। मैं इनकी सराहना करता हूँ। और जो मेरे जो मन की जो बात है, आज मैं पहली बार जितनी आपने जो मुझे पूछी है, शायद मेरे मन की बात आपके अलावा किसी ने नहीं पूछी, और इतनी बात मैंने किसी को नहीं बताई है। सचमुच में जो हमारे जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इस प्रकार से उन लोगों की बात को आप इस प्रकार से प्रसारित करते हैं, बहुत ही आपको धन्यवाद है बहुत ही। और मैं आप जनता को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो, अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, अपना कर्म साफ होना चाहिए, अपनी लगन अच्छी होनी चाहिए और मन साफ होना चाहिए। मन साफ से अगर अपना लक्ष्य अच्छा है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में कई अड़चनें ज़रूर आएगी, इसमें आपको कहीं हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना विल पावर मजबूत रखिए, अपने मन के अंदर एक ठान लीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, नेगेटिव सोच से कभी काम नहीं होता है। सकारात्मक सोच से अगर अपन काम करेंगे तो कई अड़चनें आएगी, पर तो आखिर उनको भी मानना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का मनसा, इस व्यक्ति का उद्देश्य एक सकारात्मक था, अच्छा था, और उसका परिणाम, सकारात्मक कार्य का परिणाम भी अच्छा आएगा। ये मुझे जनता को कहना, आप कार्य करें, उस कार्य में मन लगा के करें, मान सम्मान करें, किसी राजनीतिक या किसी प्रकार के क्षेत्र में आप किसी से निंदाओं से बचें, विपरीत बातों से बचें, और किसी प्रकार के इस प्रकार के अन्य गलत जो बातें आती हैं उन बातों को छोड़कर उसमें अच्छा क्या है उसको देखकर ग्रहण करें, जिससे अपना, आप लोगों का भी जीवन आगे बेहतर हो, यही कामना करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ पीआरजी ग्रुप के डायरेक्टर और सभी टीम को कि आपने हमें बुलाकर जो हमारी मन की बात करवाई, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स। बहुत शुक्रिया सर। तो आज आपने जानी मारवाड़ जंक्शन के प्रधान श्री सुमेर सिंह जी कुंपावत के मन की बात। इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक के लिए बने रहिए टीना राठौड़ और पीआरजी की टीम के साथ। नमस्कार।